अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा सबा कमर, जिन्होंने कसम खा रखी थी कि वो ज़िंदगी भर कभी शादी नहीं करेंगी और अपनी पुरानी मोहब्बत में उन्हें किस तरह से नाकामी हुई थी, 8 साल तक ताल्लुक रखने वाले इंसान ने उन्हें कैसे छोड़ दिया था और कहीं और शादी कर ली थी। पुरानी मोहब्बत में नाकामी के बाद नई मोहब्बत का आगाज़ सबा कमर ने कैसे किया, तफसीलन बात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप इससे पहले कि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। नाज़रीन मोहतरम, कुछ अरसा कबल ही सबा कमर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल की जहाँ वो इंकशाफ करती हैं कि किस तरह से वो एक शख्स के साथ 8 साल तक ताल्लुक में रहीं और जब शादी की बारी आई तो उस आदमी ने शादी कहीं और कर ली। वो शख्स हर वक्त सबा कमर के साथ रहता, सबा कमर पर अपना हक भी जताता, ठीक ऐसे ही जैसे कोई शोहर अपनी बीवी पर हक जताता हो। ताहम 8 साल के बाद सबा कमर और वो शख्स अभी तक रिलेशन में ही थे। सबा कमर ने इंकशाफ किया कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इसने शादी कहीं और कर ली है, मुझे तो इस बात की खबर सोशल मीडिया से मिली जहाँ से पता चला कि जो इंसान मेरे साथ 8 साल से रिलेशन में था उसने अपनी किसी कज़न से शादी कर ली है। यहाँ ये बात आपको बताता चलूँ नाज़रीन मोहतरम, सबा कमर गुजरांवाला से बिलोंग करती हैं और वो शख्स भी गुजरांवाला से ही बिलोंग करता था। ताहम इस वीडियो के इख्तिताम पे सबा कमर ने कहा था, मैंने अपने घर के कुत्ते को शख्स का नाम दे दिया है क्योंकि कुत्ता ज़्यादा वफादार होता है। ताहम पुरानी मोहब्बत को छोड़ते हैं और अब बात करते हैं अब उनकी नई मोहब्बत की। अदाकारा सबा कमर ने हाल ही में एक तस्वीर इंस्टाग्राम पे शेयर की जहां पर अदाकारा सबा कमर ने अजीम खान नामी मद्दा को शादी की ख्वाहिश पर कबूल है कह दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तबसरों का सिलसिला शुरू हो गया। नाज़रीन मोहतरम, अजीम खान एक ब्लॉगर हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर इंस्टाग्राम पे सबा कमर को प्रपोज किया और कमेंट किया कि आप मुझसे शादी करेंगी, तो इस पर सबा कमर ने उन्हें कहा जी कबूल है। बाद में अजीम खान ने उन्हें कहा चलो इसी साल ही हम शादी कर लेते हैं, जिस पर सबा कमर राजी हो गई और दोबारा से कबूल है कह दिया। इससे कबल भी सबा कमर रोज़ाना फूल भेजने वाले नामालूम मद्दा से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी थी। अब इतलात के मुताबिक कि वो मद्दा अजीम खान ही थे। ताहम एक लंबी मोहब्बत में नाकामी के बाद अब नई मोहब्बत का आगाज़ करने जा रही हैं सबा कमर। दुनिया भर में नहीं अब बहुत सी तजस्सुस की निगाहों से देखा जा रहा है और देखना होगा कि सबा कमर अब शादी कब करती हैं। सबा कमर सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव दिखाई देती हैं। ताहम नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।